अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जिला इकाई ने राजौरी में मौलाना फारूक के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कहा कि राम लल्ला कहलाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राम का मंदिर अयोध्या में था और राम का मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। वही बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री सुशील ने कहा कि आज का जो प्रदर्शन है वह पिछले दिनों एक मौलवी फारूक ने यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी स्पीच की और गलत स्टेटमेंट दी, ये प्रदर्शन उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें मौलाना कहते हुए शर्म आती है। जो एक मौलाना होता है वो दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं, ना कि खिलाफत बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब दूसरे मजहब के खिलाफ बोलना नहीं सिखाता। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी कि आप दूसरे मजहब की बुराई करो। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला कोर्ट में है और जो कोर्ट फैसला करेगा वह फैसला सबको मंजूर होगा, इसलिए उस फैसले को हम कोर्ट पर छोड़ते हैं। अमन के करदारों को जूते मारो सालू को, अमन के करदारों को जूते मारो सालू को, देश के करदारों को जूते मारो सालू को। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अमन के करदारों को जूते मारो सालू को, देश के करदारों को जूते मारो सालू को। राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, रखा गया। मैं सुशील शर्मा बजरंगी, प्रांत मंत्री जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय बजरंग दल से और मेरी टीम साथ। आज का जो प्रोटेस्ट है, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, पिछले दिनों जो मौलवी फारूक ने यहाँ पे ऐसे ही कोई घटिया स्पीच की, गलत स्टेटमेंट दी, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, मौलवी कहने के लिए मेरे को शर्म आती है, उनको मौलवी कहूँ या ना कहूँ, मुझे तो लगता है मौलवी उनको कहना ही चाहिए। मैं तो उनको शादी तक बोलूँगा जिन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। मतलब कोई भी मतलब नहीं सिखाता, किसी बाइबल किसी गीता कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि किसी के मजहब को ठेस पहुँचाई जाए। यहाँ पे हम सभी भाईचारा चाहते हैं, जो कोर्ट फैसला करेगा अयोध्या में, चाहे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, जो फैसला होगा वो कोर्ट का होगा। हम नहीं होते, हम ये कोर्ट को आदेश नहीं देने वाले। हमारी क्या औकात है हम कोर्ट को आदेश देंगे कि आप मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ। जो कोर्ट फैसला करेगा वही फैसला होगा। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी किसी मजहब के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ। अगर आप किसी के धर्म की बात करो, इस धर्म को ठेस पहुँचाओ, ऐसी चीज़ नहीं होगी यहाँ पे। तो मैं शुक्रिया अदा एडमिनिस्ट्रेशन का करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पे माहौल को संभाल के रखा है, जिन्होंने यहाँ पे SSP साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इज अ वेरी डेडिकेट पर्सन जिन्होंने पूरे माहौल को संभाल के रखा है और मुझे पता है वो गलत नहीं होने देते। अगर जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके खिलाफ केस लगेगा। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ के जो दोगले लोग हैं, जो दोगली बातें करते हैं, वहाँ पे जाके ये दोगलापन यहाँ पे नहीं चलेगा। लोगों के सामने सही फेस, जो सत्य, जो सच बात है वही सामने लानी चाहिए, दोगलापन यहाँ पे नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। राजौरी से अमित शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।